अभी तक पढ़े हुए सभी कंसेप्टर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है इस क्वेश्चन में दो पैर लाइंस गिवन है जिनकी इक्वेशन है 9x और हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों पैरल लाइन से इक्वी डिस्टेंट है यानी कि इन दोनों पैरल लाइन से बराबर डिस्टेंस पर है आई होप आप सभी को अब यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो अब आप इस वीडियो को थ्री मिनट्स के लिए पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया होगा तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं जिसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं 9x plus 6y minus 7 is equal to zero. अब इसी के पैरेलल एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3x plus 2y plus 6 is equal to zero. और हमें इस क्वेश्चन में एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पर है. तो वह लाइन कुछ इस प्रकार होगी. अब हम इस लाइन पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं h comma k. तो हम कह सकते हैं कि यह डिस्टेंस है d1 वन एंड यह डिस्टेंस है d2 और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जिस लाइन की क्वेश्चन हमें निकालनी है वह दोनों ही पैरल लाइन से बराबर डिस्टेंस पर है यानी कि जो d1 है वह d2 के इक्वल है तो सबसे पहले बात करते हैं d1 की तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूले से जहां पे हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ा था और डिस्टेंस d1 के लिए लाइन की इक्वेशन है 9x 6y 7 सिक्स वाई माइनस सेवन और हमें इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है h k तो जब हम इनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ 9h 6k 7 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर जिसको आगे फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ

थर्टीन अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डी वन है वह डी टू के इक्वल है तो वह कुछ इस प्रकार हो जाएगा जिसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स अब हमने पढ़ा है कि हम मॉड की प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो इसके लिए अब हम दोनों ही वैल्यू को कंसीडर करेंगे जिसके लिए फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी नाइन एच प्लस सिक्स के माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस थ्री ऑफ थ्री एच प्लस टू के प्लस सिक्स तो अब हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस सेवन इज इक्वल टू एटीन जो कि ट्रू नहीं होता है तो इसीलिए अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एटीन एच प्लस ट्वेल्व के प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके लिए कंडीशन आई है एटीन एच ट्वेल्व के प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो और इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि आपको एक लाइन की गिवन है बी तो आप जानते हैं कि वह पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इसी तरीके से अगर हम रिवर्स कंडीशन को देखें तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके लिए कंडीशन आई है एटीन एच प्लस ट्वेल्व के प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो और उसी लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है जो कि है एच कॉमा के तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट एच कॉमा के है वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इस तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि जो लाइन की जनरल इक्वेशन है वह हो जाएगी एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हम किन्हीं दो पैरल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइन करते हैं तो इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है जहां पे सबसे पहले हमने लाइन की जनरल इक्वेशन के बारे में जाना उसके बाद लाइन की जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना सीखा और इस टॉपिक के अंत में हमने एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना और किन्हीं दो पैरल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना भी सीखा है तो अब आपको कुछ ये रेफरेंस क्वेश्चन है जो कि करने हैं